सो फाइनली आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हॉस्टल वार्डन की, जो आपके व्यापम पीएससी में अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास होगी एलसीएम और एससीएफ, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। जो लोग अब बीएससी व्यापम जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आता ही आता है। जो लोग अगर चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। इसके पहले अभी को 5 क्वेश्चन में कराया था, जो क्वेश्चन आपने नहीं देखा है तो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है पूरी क्लासेस। चलिए देखिए, यहाँ पर वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 29, 60 और 113 को विभाजित करने पर 5, 12 और 17 प्राप्त होती है। यानी कि यह क्वेश्चन आपके व्यापम में आया हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, उसी प्रकार छोटी से छोटी संख्या, ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये दो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके महत्वपूर्ण एग्जाम में आता है, ठीक है। तो देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 29, 60 और 113 को विभाजित करने पर 5, 12 और 17 प्राप्त होती है, ठीक है। अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए तो इसका मतलब होता है कि महत्तम समापवर्तक। उसी प्रकार यहाँ पर अगर लघुत्तम समापवर्तक पूछा है, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या, अगर कभी भी एग्जाम में छोटी से छोटी संख्या पूछा जाए उसका मतलब होता है लघुत्तम, और बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए उसका मतलब होता है एससीएफ, यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ ये वाले पद को एक्स ले लेते हैं, ठीक है। एक्स, वाई और जेड, यानी कि ये आपका 29, ये 60 और ये आपका 113। उसी प्रकार इस संख्या को ए बी सी के रूप में ले लेते हैं, ए बी सी, यानी कि 5, 12 और 17। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे लास्ट तक देखना, बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है। ऑप्शन में कौन सा आएगा, ए या बी या सी या फिर डी, ऑप्शन अगर जिनको भी पता है यह क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला एक्स माइनस ए, y माइनस बी, जेड माइनस सी, ठीक है। मान रख लेते हैं, तो इसमें मान रखते जाते हैं, ठीक है। 29 माइनस 5, उसी प्रकार यहाँ पर आ जाएगा 60 माइनस 12, उसी प्रकार यहाँ आ जाएगा 130 माइनस 70। अब इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 29 में अगर 5 घटाएंगे यानी कि 29 में 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 24, उसी प्रकार 60 में 12 घटाएंगे तो 48, उसी प्रकार 130 में 17 घटाएंगे कितना आ जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए कितना आएगा, इसमें कितना आएगा, 24, 48 और 137 घटाएंगे तो 96 आएगा, ठीक है। और इन सभी का क्या लेना है हमें, एलसीएफ लेना है, यानी कि एच सी एफ, यानी कि महत्तम समापवर्तक। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो एलसीएफ, यानी कि इनका हमको एससीएफ निकालना, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो इन सभी का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो इसका 24 आएगा, क्या आएगा, एचसीएफ निकल कर आएगा, यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो वह पूछा गया वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 24 होगी जो इसको विभाजित करने पर 5, 12 और 17 प्राप्त होती है, ठीक है। या फिर आप इसको जोड़ के देख सकते हैं, देखिए अगर 24 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 29 आएगा, है ना, उसी पर इसको जोड़ेंगे तो उतना आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, जिनको भी क्लियर नहीं होगा तो डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा 20, यानी कि 24, ठीक है। उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 24, 32 और 36 से विभाजित करने पर, यहाँ पर शेष पर 19, 27 और 31 है, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या आएगा, सॉल्व कीजिए। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, जिनसे नहीं बनेगा मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। इसको सॉल्व करें, चलिए सॉल्व कर लिए, क्या किन लोगों का आंसर आ चुका है, रमेश, गीतम और राहुल, संदीप, महेश्वरी, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन बी किन लोगों का आ रहा है, राजेश, मोहन, लक्की, सीमा, चलिए ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं ना। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, उसी प्रकार इसको एक्स, वाई और जेड लेते हैं, उसी प्रकार ए बी सी लेते हैं, ठीक है।
एक्स वाई और जेड उसी प्रकार यहाँ पर लिख लेंगे 24, 32, 36 उसी प्रकार इसको ले लेते हैं ए बी सी यानी कि 19, 27 और 31। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, एक्स माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी मान रखते जाइएगा 24 माइनस 19 इसमें अंतर कितना है दोनों में 5 का अंतर है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 32 माइनस 27 इन दोनों में भी कितना का अंतर है 5 का अंतर है। उसी प्रकार यहाँ पर आ जाएगा 36 माइनस 31 इसमें दोनों में कितना का अंतर है 5 का अंतर है। तो सबसे पहले इन दोनों में 5 का अंतर है तो इसको निकाल लीजिएगा जल्दी, कितना कितना आ रहा है इसमें, इन सभी में 5 का अंतर आ रहा है। ठीक है, जल्दी से निकालिएगा। हाँ चलिए 24 इसमें कितना आएगा, चलिए अंतर कितना आ रहा है जल्दी से निकालिए। पांच का अंतर आया। अब इन तीनों का एलसीएम निकालना है यानी कि 24, 32 और 36 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर 24, 32 और 36 इन सभी का हम एलसीएम निकालेंगे तो आपका आएगा 288। अब इसमें कितना का अंतर आया, ये 5 का अंतर आया तो उसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा 283। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन ए दिख रहा है ना कि ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, कितने लोगों का कमेंट आ चुका है यहाँ पर, संदीप, राजेश्वरी, महेश्वरी, बिल्कुल बिल्कुल सही है आप लोगों का, बिल्कुल सही है। देखिए ऑप्शन ए ही आ गया जिन लोगों का। यहाँ पर देखिए इसको घटाना है ना भाई, यहाँ पर जो 5 का अंतर दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके व्यापम पीएससी में आया हुआ है। ये जो तीसरा क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में कई बार आता है, चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जितने भी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उसमें बिल्कुल पूछा ही जाता है। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। तीन घंटियां, ठीक है, तीन घंटियां एक साथ बजती है 11 बजे, तीन जो घंटी होती है वो एक साथ बजती है 11 बजे। उसके बाद पूछा गया है क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट में, तीन घंटियां हैं जो एक साथ बजती है 11 बजे क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट में। ठीक है, अब पूछा गया पुनः फिर से एक साथ कब बजेगी। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आपके व्यापम पीएससी में बिल्कुल पूछे जाते हैं, एक ना एक नंबर आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, यह क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप क्लियर बना लोगे। ठीक है, तो देखिए तीन घंटी है जो एक साथ बजती है 11 बजे, नोट कीजिएगा 11 बजे। ठीक है, ऑप्शन ए कौन सा आएगा 2 घंटे, ऑप्शन बी 1 घंटा, ऑप्शन सी 3 घंटा, ऑप्शन डी 4 घंटा। जल्दी से कमेंट करें कितना आएगा, कौन सा आंसर आता है, जल्दी से कमेंट करें। ठीक है, तीन घंटी है जो एक साथ बजती है 11 बजे, इसको नोट कीजिएगा कितने बजे 11 बजे। अब पूछा क्या गया है क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट। हमेशा अगर एग्जाम में अगर मिनट वाला पूछा जाए तो उसका क्या निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं, तो यहाँ पर 20, 30 और 40 का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। 20, 30 और 40 अगर एलसीएम निकालेंगे तो डायरेक्ट हम इसको इसके ऐसे ना करके डायरेक्ट इन सभी का एलसीएम निकाल देते हैं तो इनका 120 आएगा। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम निकालोगे तो 120 आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर 120 मिनट आ रहा है, अब 120 मिनट आता है तो कितना घंटे होगा 2 घंटे, 60 मिनट का 1 घंटा, उसी प्रकार 120 मिनट का 2 घंटा। ठीक है, कितने बजे बज रही है, 3 घंटियां एक साथ 11 बजे बजती है तो 2 घंटे बाद कितनी बजेगी 11 प्लस 2, 1 बजे। ठीक है, कितने बजे 1 बजे, यानी कि जो पुनः फिर से जो घंटियां बजने वाली है वो 1 बजे बजेगी। ठीक है, तो चलिए कौन कौन सा ऑप्शन आया है देखते हैं यहाँ पर। 2 घंटे बिल्कुल गलत, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, 1 घंटे में वो पुनः फिर से बजने वाली है। किन लोगों का आंसर आ चुका है, संदीप, महेश्वरी,
राजेश राघव, बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है, बिल्कुल सही है। ऐसे ही क्वेश्चन बनाते रहो, ठीक है। ऐसी लेटेस्ट वीडियो डेली शाम 5 बजे कराई जा रही है। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं हॉस्टल वाराणा एसआई भर्ती की, तो बिल्कुल वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहे। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, कल फिर क्लासेस करेंगे। जो आपके 5 क्वेश्चन लाऊंगा उसमें बहुत ही एग्जामों में पूछा गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।